तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों को सुबह वाली वीडियो में बोला था यार कमेंट्स करने के लिए, एंड काफ़ी अच्छे कमेंट्स जो है मैं वो फीचर करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। एंड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिविटी हमारे को देखने को मिली कमेंट्स में, एंड इसमें सेलेक्ट करना यार काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एंड मैंने लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइबर गोल स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर दिया, एंड बहुत छोटा सब्सक्राइबर गोल है तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो ओशन शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सा प्लेयर आप लोगों को लगता है कि BGMI के अपकमिंग टूर्नामेंट्स में हमारे को शाइन करता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर काफ़ी लोगों ने अपने व्यूज दिए थे, एंड आप लोग भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने आप लोगों को सुबह वाली वीडियो में दिखाया था कि जो लॉल्स है उन्होंने बताया था कि वो ई स्पोर्ट्स में एंटर करने वाली है। तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि अगर उनको कोई ऑफर आता है तो वो गॉडलाइक को लीव कर देंगे। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। लीव गॉडलाइक ना, गॉडलाइक ब्रो, मैं गॉडलाइक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं यहां पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूं। तो अगर समझ लो, मैं तुमको बता दो कंटेंट क्रिएटर का कैसा होता है। मैं अगर गॉडलाइक में हूं और अगर मेरे को खेलना है XYZ ऑर्ग में, ऑर्ग बोले तो अभी समझो ना, यही समझो, अगर मेरे को TSM में खेलना है तो मैं उनके लाइनअप के साथ खेल सकता हूँ, वो कोई सीन नहीं है। बट गॉडलाइक में मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। बट ये इतना बड़ा तो अपना गोल नहीं है, अपना ऐसा है कि चार बंदों को लाइनअप इकट्ठा करेंगे, एक टीम नेम डालेंगे और वो टीम को आगे पहुँचाएंगे। ऐसे सीन टेम्पर नहीं बनना है, घुस के मारने वालों में से बनना है, समझ रहे हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी बाई को लेके। तो गोल्डी बाई की हमारे को IRL स्ट्रीम देखने को मिली थी जिसमें काफ़ी लोग उनसे BGMI की एग्जैक्ट डेट पूछ रहे थे। तो उन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, बट उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट्स दे दिए हैं, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। देखो इतना श्योर है कि मैं गेम आ रहा है क्या? हाँ, बाकी डेट एग्जैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। एक मिनट, एक गेम खेलते हैं अभी, 25 के पहले या बाद चलो इसी बात पे, एग्जैक्ट डेट इसी बात पे 10,000 रुपए का सुपर चैट चाहिए, बिल आ जाएगा बहुत जल्द। अब तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, तुम लोग मान के चलो कि तुम लोग को लगभग एक विकेट को जानना होगा बस तुरंत। क्या पता वो विकेट शुरू होने से पहले आ जाए या विकेट खत्म होते अगले दिन। इसके बाद जो मेज है उन्होंने बात करी थी अपनी स्ट्रीम पे BGIS के बारे में। उन्होंने बताया था कि जो इवेंट है BGIS का वो पहले से प्लान है, एंड में भी हमारे को बहुत ही जल्दी वो देखने को मिल सकता है। एंड काफी लोग उनसे ये भी पूछ रहे थे कि फिर इंडियन टीम PMGC में हमें देखने को मिलेगी। तो इस पे उन्होंने रिप्लाई कराया, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच TXVisitOP, आई गेस मैंने नाम सही पढ़ा है। हाँ तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं तुम लोग को लीक दे रहा था। तो लीक में ये दे रहा था कि मेरे हिसाब से जितनी लोग बातें कर रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, देखो मैं इतना कह सकता हूँ कि इवेंट प्लान था, ठीक है, 2 महीने पहले से ही प्लान था, प्लस उसके बाद अभी भी प्लान है कि हमारा BGIS होगा। मैं श्योर नहीं कह सकता बट मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, इतनी ही जल्दी होगा, टेंशन मत लो, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए लौंडो, ये बात हमारे बीच में रहेगी। 1100 लोग देख रहे हैं, 1100 लोगों के बीच में ये बात रहनी चाहिए। इसके ऊपर एक बंदे के पास ये न्यूज जाने नहीं चाहिए। क्या लगता है PMGC जाएंगे इस बार? पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बट इवेंट होने का इंतजार है और क्या। संडे को बाद मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो VLT उन्होंने फेयरवेल कर दिया था अपने 3 प्रो प्लेयर का वेलोरेंट के। एंड आज हमारे को काफ़ी और भी सारे फेयरवेल पोस्ट देखने को मिले जिसमें हमारे को डेथ मेकर, एक्सकाली, हेल्थ सबका फेयरवेल पोस्ट देखने को मिला, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आप लोगों के इसके ऊपर क्या व्यूज़ है आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आज सुबह हमारे को एक लिंक देखने को मिला था जिससे अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे को BGMI देखने को मिल जाता है। एंड काफ़ी लोगों ने मेरी स्टोरी के लिंक से इसको ओपन करके देखा था, एंड काफ़ी लोगों को अपडेट भी आ रही थी। एंड अगर आप लोगों को भी चेक करना है तो मैंने अपने Instagram की स्टोरी पे वो लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी से रिलेटेड जो BGMI है उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था, प्लीज नोट द गेम इज नॉट अवेलेबल टू प्ले एज अ सर्वर हैज बीन शट, करंटली द क्लोज टेस्ट ट्रैक फॉर BGMI इज अपडेटेड, दोज हु ऑप्टेड फॉर द पब्लिक टेस्ट फॉर द गेम बिफोर इट्स लॉन्च आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ मैसेज वाया ईमेल व्हिच टेक देम टू द प्ले स्टोर फॉर डाउनलोडिंग द गेम, हाउएवर द गेम विल नॉट बी अवेलेबल टू प्ले एज अ सर्वर्स आर शट, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट सम आर नॉट ऑप्टेड फॉर द क्लोज टेस्ट आर गेटिंग दिस मैसेज।
This is the technical error and we are working on resolving it. We inform you once the game is available to play and वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड इसके बाद हमारे को जो लंगोटिया उनकी साइड से भी स्टोरी देखने को मिली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो गेम है वो अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है एंड वो सिर्फ प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बट दो तीन दिन में या फिर कल हमारे को वो ऐप स्टोर में भी देखने को मिल सकता है. इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने बात करी थी BGMI की स्मूथनेस के बारे में एंड जो भी चेंजेस हमारे को BGMI में देखने को मिलने वाली है उससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी डाली एंड उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख लो. हेलो गाइस, आई नो आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो कि यार स्कारवे आपने बिना बताए अचानक से स्ट्रीम बंद कर दी. सॉरी गाइस उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब थी उसके कारण मुंबई ट्रैवल किए फॉर शूट एंड सम अदर रीजंस, बट अभी हम लोग वापस जा रहे घर आज. और आज घर जाने से पहले मैं स्ट्रीम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वर्जन पर खेल रहा था. सो आप लोग को मैं कुछ दिखाऊँगा क्रेजी अपडेट से, इंसेंस स्मूथनेस है गेम में भाई. अब तो बस वेट है कि BGMI के लॉन्च का, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ सारे अपडेट्स मैचअप होंगे, सेम स्मूथनेस, सेम इवेंट्स आएंगे आई गेस. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना.